हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आप लोग खुद गेस करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक देखिए मिसिंग है, आपको खुद गेस करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपको गेस करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट। तो सोचिए कि आपने सही गेस किया है या नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो सोचिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है क्वांट में जो रूट ऑफ द क्वांट है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका वेटेज अगर हम अपने एग्जाम में बात करें तो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। यानी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका हर टॉपिक में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस टॉपिक के बिना हम अदर्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। मैंने इस टॉपिक के नेम के लिए आपको काफी सारी हिंट दी है। गेस कीजिए कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपने करेक्ट टॉपिक गेस किया था, ठीक है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बिल्कुल रॉन्ग। सोचिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक हो सकता है जिसका हर टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट है। वेटेज की बात करें एग्जाम में तो काफी ज्यादा वेटेज है इस टॉपिक का। ऐसा ऐसा एक टॉपिक है जिसका हर टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट तो है ही, अगर हम उस टॉपिक को क्लियर उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो अदर टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांट एंड रूट ऑफ द क्वांट इस परसेंटेज। मोस्टली स्टूडेंट ने गेस किया होगा डीआई। नहीं, आईबीपीएस एफओ एग्जाम के लिए डीआई की अगर हम बात करते हैं, डीआई का वेटेज ज्यादा है। पर अगर आप इसे इनडायरेक्ट वे में समझें तो डीआई में भी टोटली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो परसेंटेज का ही यूज होता है। अगर आप परसेंटेज आपको नहीं आता तो आप डीआई नहीं कर सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज डीआई का है। वेटेज किसका है? परसेंटेज। हर चैप्टर में इन्वॉल्वमेंट किसका है? परसेंटेज। तो आज हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, और क्यों इसका हर चैप्टर में इन्वॉल्वमेंट है, और बेसिकली किसके लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ऐसा क्यों कि परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, व्हाट इज ए परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज जो है ना वो हमारा एक ऐसा मेथड है और एक ऐसी फ्रैक्शन है, ठीक है, जो किसी भी क्वांटिटी को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। परसेंटेज हमारा क्या है? एक ऐसा मेथड है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी फ्रैक्शन है जो किसी भी क्वांटिटी को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है कंपैरिजन का, ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है, अभी तो हमने सिर्फ ये समझा, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जो किसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और परसेंटेज के जो टर्म्स है, ठीक है, जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 100, ठीक है। और उसकी फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है? रेट परसेंट, जो हमारे अकॉर्डिंग वैरी करती है, चेंज होती है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सिंबल इज परसेंट साइन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि परसेंटेज ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ समझेंगे कि परसेंटेज ही ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड परसेंटेज, हमें परसेंटेज की क्यों जरूरत है, ठीक है, क्या जरूरत है हमारी परसेंटेज की। तो देखिए, फर्स्ट इज कॉमन यूनिट ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। बहुत बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया, एक सिंगल टर्म में बताइए कि परसेंटेज की बेसिकली क्यों रिक्वायरमेंट है। तो सबसे सिंगल वर्ड में अगर हम आंसर दें तो कंपैरिजन, ठीक है। अगर हमें किसी दो अलग अलग स्कूल के, ठीक है, सेम स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के मार्क्स का कंपैरिजन करना है, पर दोनों स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो डिफरेंट बेस से मिले हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 800 में से 600 स्कोर किया और सेकंड स्टूडेंट ने 600 में से 400, तो हम कैसे बता सकते हैं कि किस स्टूडेंट का स्कोर सबसे हाईएस्ट दोनों में से। तो कैसे कंपैरिजन करना है ना, तो हमें उसका बेस क्या करना पड़ेगा? सेम।
तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट हुई हमें? परसेंटेज की। ठीक है, परसेंटेज ऑफर स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट अलाउ फॉर इजी कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी। डिफरेंट क्वांटिटीज का, ठीक है, इवैल्यूएशन करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए या उसे एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें परसेंटेज की जरूरत है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए आप इसका एग्जाम्पल भी देखिए, समझ सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है? द वेजेस ऑफ वुमेन इज 37.5% लेस देन द वेजेस ऑफ मैन। हमारे को वुमेन का वेजेस जो है, ठीक है, वो मैन वेजेस से क्या है, इतने परसेंट लेस है। किसके रेस्पेक्ट में? परसेंटेज में। कंपैरिजन किस में दिया है? परसेंटेज में। तो पॉइंट समझना, अगर हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहीं से हम इस फ्रैक्शन से 37.5 is 3/8 हम डिपेंडेंसी जिसपे डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको डिफाइन करेगी और जिसके रिस्पेक्ट में डाटा गिवन है न्यूमरेटर इसको रिफाइन करेगा। तो हम यहां से इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं मैन वेजेस एंड वुमेन वेजेस। एंड देन हमें फिर अगेन कंपैरिजन पूछा, फाइंड आउट दी व्हाट परसेंट इज मोर एंड लेस देन दी वेजेस ऑफ 7 days ऑफ मैन देन दी वेजेस ऑफ 10 days ऑफ वुमेन। मैन का जो 7 days का वेजेस है वो कितने परसेंट मोर या लेस है किससे? 10 days ऑफ वुमेन वेजेस से। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। पहले भी कंपैरिजन दिया है, देन अगेन हमसे कंपैरिजन ही पूछा। ठीक है, तो फर्स्ट किसके लिए रिक्वायरमेंट थी? कंपैरिजन के लिए। सेकंड इज परसेंटेज की। सेकंड क्यों रिक्वायरमेंट थी? तो देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी परसेंटेज की, जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, वो क्या है? रेशियो को डिफाइन करती है। जैसे अगर मैं सिंपल से बात करूं, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, मैं कहती हूँ 20% प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन इज 1/5। 1/5 आपको क्या डिफाइन कर रहा है? 1 is a profit, 5 is a cost price। तो वो किसको डिफाइन कर रहा है? प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के रेशियो को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कहें तो परसेंटेज रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोपोर्शन और फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। ठीक है, वही सेम चीज है। ठीक है, किसी के फ्रैक्शंस को या फिर प्रोपोर्शन को डिफाइन करता आउट ऑफ 100। ठीक है, दिस अलाउ अस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डाटा। ठीक है, ये क्या करता है? किसी कॉम्प्लेक्स डाटा को ब्रेक डाउन यानी ब्रेक इनटू सिंपल फॉर्म में। जैसे अगर हम कहें नॉर्मली परसेंट प्रॉफिट आपको पता है 20%, जिसकी 1/5 फ्रैक्शन होती है, अगर हम उससे समझे तो एक कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं। यही इन चीजों को अगर हम समझना चाहें तो फॉर्मूले भी समझ सकते हैं। 20% का प्रॉफिट है तो 100 + 20 = 120, जो हमारी फॉर्मूले फॉर्म है। नहीं, अगर हमें कॉन्सेप्ट से चीजों को समझना है, चाहे वो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है या अदर्स, ठीक है, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब हमें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं होगी। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अदर्स चैप्टर को भी बिना फॉर्मूले के, विदाउट फॉर्मूले के हेल्प की, हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम उसके फ्रैक्शन टर्म्स को रेशियो के टर्म्स में यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के टर्म्स में लेके कर सकते हैं। देखिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन 72% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। ठीक है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। हमें यहाँ पे क्या दिया? फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। ठीक है, और फ्रेश फ्रूट में जो वाटर कंटेंट है वो कितना है? 72%, और ड्राई फ्रूट में जो वाटर कंटेंट है वो कितना है? 20%। ठीक है, पॉइंट समझना, फ्रेश फ्रूट हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, वाटर तो चेंज हो रहा है परसेंटेज लेवल, पर एक्चुअल में अगर हम पल्प की बात करें तो वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो हम इसे किससे, रेशियो से इजिली कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि किसका रेशियो इक्वल मेंटेन होना चाहिए? पल्प का। वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो सकता है, तो हम रेशियो के रेस्पेक्ट में क्या ऐसे क्वेश्चंस को कंपैरिजन से इजीली नहीं कर सकते? रेशियो का यूज करके, यानी हम इसमें जो परसेंटेज के टर्म्स है 72% and 20%। ठीक है, इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्म में यूज करके इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, अगर हम कहें कि हमें किस लिए परसेंटेज की जरूरत है, तो रिलेटिव चेंज एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि किसी एक वैल्यू में, जो दो वैल्यू 2D कॉन्सेप्ट में है, 2D कॉन्सेप्ट इन द सेंस समझना कि हमारे पास एक्सपेंस बराबर क्या होता है? प्राइस इनटू में कंजम्पशन। एक्सपेंस इक्विवेलेंट क्या होता है? प्राइस इनटू में कंजम्पशन। अगर प्राइस में इंक्रीमेंट होता है,
ठीक है, तो रिलेटिव चेंज, तो कंजम्पशन में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, रीजन अगर एक्सपेंस क्या है, कांस्टेंट, अगर एक्सपेंस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो पॉइंट समझिए, एग्जांपल भी आपके सामने है कि प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 16 to 3%, ठीक है, एंड कंजम्पशन ऑफ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। आपके सामने प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ तो कंजम्पशन में डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम बात करें, अब यहां पर तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइनल परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, पर आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना कि जहां पे दिया होता है कि प्राइस में इतने का इंक्रीमेंट है, कंजम्पशन में कितने का डिक्रीमेंट होगा, और क्लियरली लिखा होता है डिक्रीमेंट, ठीक है, कि अगर एक्सपेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर भी अगर हम कहें तो क्या है, चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है या नहीं, एक में कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट सेकेंड पे इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो रिलेटिव चेंज एक अगर कोई वैल्यू टू डे कॉन्सेप्ट में, जैसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, आपके पास एरिया इक्वल क्या होता है, एल इनटू में बी, लेंथ में अगर इंक्रीमेंट करेंगे, एरिया को अगर हमें कॉन्स्टेंट रखना, ठीक है, तो ब्रेथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट, ठीक है, तभी तो हमारा वो एरिया मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर क्या होता है कि रिलेटिव चेंजेस में, ठीक है, यानी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जो चेंज हो रहे हैं, वहां पर हमें बेसिकली परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो डाटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, बेसिकली अगर हम डीआई की बात करें, यानी वही सेम चीज है, किसी के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना या किसी भी डाटा फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं। हमारा जो डीआई पार्ट है, जो जहां पे हमें डाटा दिया जाता है, वहां पे क्या है, किसी ना किसी ग्राफ फॉर्म में, अगर पाई चार्ट में कहें तो ऑलवेज जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या डिग्री, पर 90% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही आपको मिलता है, 10% चांसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री मिलने के, ठीक है। तो परसेंटेज की आप डीआई अगर हम बात करिए, तो डीआई में तो टोटली हमारे पास अगर टेबल फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में भी आपके पास जो डाटा दिया जाता है कुछ ना कुछ परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा परसेंटेज टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांट के लिए, यानी रूट ऑफ द क्वांट इज परसेंटेज। अब आपका होगा कि नहीं मैम, एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। पॉइंट समझना, नंबर सिस्टम इज ए फंडामेंटल ऑफ क्वांट, ठीक है, मूल है, यानी हमें नंबर्स को नहीं जब तक हम जानेंगे तो हम क्वांट कैसे समझेंगे। पर अगर हम ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वांट, क्वांट का कौन सा है, परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कि किन टॉपिक्स पे अगर हम बात करें कि परसेंटेज की हमारी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका 80% परसेंटेज की ही इन्वॉल्वमेंट होता है। डीआई में अगर हम बात करें, अगर आपके पास पाई चार्ट बेस्ड डीआई आई है, तो उसमें टोटली कैलकुलेशन परसेंटेज पे ही होती है। सिर्फ एक बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में चांसेस होते हैं कि डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, नहीं तो टेबल ग्राफ एंड पाई चार्ट, जिसमें डाटा आपके पास 50% से प्लस, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में गिवन होता है। सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसमें भी अगर हम कहें तो परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में आपके पास कैलकुलेशन दी होती है, फ्रैक्शंस के टर्म्स में, अप्रोक्सीमेशन में स्पेशली। नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी अगर हम बात करें क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हमें रेशियो और प्रोपोर्शन के जो मिक्सचर्स के क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है, वहां पर परसेंटेज के रिस्पेक्ट में ही कुछ ना कुछ डाटा गिवन होता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे डिस्काउंट की बात करें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, डिस्काउंट अगर हम बात करें तो परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, डिस्काउंट किस में गिवन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम परसेंटेज में, तो बिना परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझे हम डिस्काउंट को समझ सकते नहीं। नेक्स्ट इज एवरेज, एवरेज में भी देखिए कहीं कहीं पे आपके पास जब हम एवरेज ओवरऑल फाइंड करते हैं तो वहां पर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिया होता है, ठीक है, किसी आर्टिकल को परचेज या उसमें प्रॉफिट की जो टर्म्स हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि 20 आर्टिकल परचेज किए थे और उसका प्राइस दिया होता है ईच आर्टिकल का, ठीक है, फिर ये बताया होता है उसमें से 8 आर्टिकल 12% प्रॉफिट पे सेल किए गए, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल इज 12, वो किस पे 14%, तो ओवरऑल पे पड़ता ही एवरेज तो फाइंड कर रहे हैं, पर किसका कॉन्सेप्ट है,
परसेंटेज का. मिक्सचर एंड एलिगेशन, वहां पर आपको प्रॉफिट की टर्म्स दी है या लॉस की, जिस पे हम एलिगेशन अप्लाई करें, या पॉपुलेशन कोई इंक्रीज हुई है, ठीक है, उस पे जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे किसका यूज होता है? परसेंटेज का. नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क में आपको इफिशियंसी किस पे बेस्ड दी होती है? परसेंटेज में कंपैरिजन, कि ए की जो इफिशियंसी है वो बी से कितनी है? 20% मोर है. नेक्स्ट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये टॉपिक तो टोटली, अगर हम बात करें, अगर हम बिना फॉर्मूले से इस टॉपिक को करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो टोटली परसेंटेज पे बेस्ड है, ठीक है. पर हम क्या करते हैं कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में पीआरटी अपॉन 100, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी. नो, अगर आप परसेंटेज समझ जाएंगे तो इन दो टॉपिक्स को भी आप डायरेक्टली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से करेंगे विदाउट फॉर्मूले, ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम एंड डिस्टेंस में भी अगर कंपैरिजन की बात की जाती है जहां पर, ठीक है, तो स्पीड अगर इंक्रीज करने की बात की जाती है फर्स्ट कंपैरिजन से, तो वहां पे भी परसेंटेज का ही होता है. लेस टाइम यूज करा, 20% लेस टाइम, तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज का फॉर्म टाइम एंड डिस्टेंस में भी मिलेगी. नेक्स्ट इज मेंसुरेशन, जहां पे आपने देखा ही होगा परसेंटेज में चेंजेस मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है. आपके पास रेडियस में चेंजेस दे दिया जाए, हाइट में चेंजेस दे दिया जाए, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, 3D कॉन्सेप्ट में, और ओवरऑल वॉल्यूम में चेंजेस पूछा जाता है, तो वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही होता है, ठीक है. तो अब हम मेन सबसे कंक्लूजन, हम सोचते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन समझना, क्योंकि हम इस टॉपिक का जो वेटेज समझते हैं ना, आईबीपीएस आपके एसओ का ही मैंने एनालिसिस लिया हुआ है लास्ट प्रीवियस ईयर का, 2018, 19, 20 and 21 का. तो पॉइंट समझिए कि हम ये सोचते हैं कि परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर, सिर्फ 2, तो वेटेज इज 2. नो, डीआई आपके पास हर साल 2 या 3 डीआई आई है, ठीक है, और हर साल एक पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई हमेशा आई है, और जो पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई है वो ओवरऑल किस पे बेस्ड है? परसेंटेज पे. तो उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे? परसेंटेज टॉपिक में, ठीक है. नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी. डाटा सफिशिएंसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली कहीं ना कहीं उसमें एक जो आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट है या सेकंड है, ठीक है, परसेंटेज में कहीं ना कहीं उसका यूज होता है या नहीं, उनमें जो टर्म्स यूज होती है, ठीक है. केसले डीआई बात करें तो केसले डीआई में भी परसेंटेज का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है. डाटा एनालिसिस बात करें, यानी आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन, वहां पर भी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो आते हैं, अगर 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज पे बेस्ड जरूर होते हैं. टोटली परसेंटेज पे ना हो कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें यूज तो परसेंटेज के टर्म्स का ही, ठीक है. तो ओवरऑल अगर वेटेज देखिए तो परसेंटेज टॉपिक का आपके एग्जाम में, यानी क्वांट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है. परसेंटेज और वेटेज आपके सामने, ठीक है. तो हमारे क्वांट की क्या है? रूट है, ठीक है. तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ही ये स्पेशल क्वांट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, जिसे हम बेसिक से मॉडरेट लेवल तक डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा इस सीरीज में, ठीक है. इसमें हम परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट लेवल तक कवर करेंगे, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा.